तो भैया टाइगर थ्री हो चुकी है रिलीज, और टाइगर थ्री ने 12 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन जो बम पटाके फोड़े हैं ना अपने कलेक्शन से, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। सलमान खान ने कमबैक तो बहुत अच्छा कर लिया, बट जो सलमान खान के फैंस है ना वो भी कमबैक कर रहे हैं, और वो कमबैक बड़ा खतरनाक तरीके से कर रहे हैं। वो खतरनाक तरीके से इस तरह कर रहे हैं कि वो थिएटर्स के अंदर ही भैया फायर क्रैकर्स जला रहे हैं। अब ये थिएटर्स के अंदर फायर क्रैकर्स कहाँ जलाए गए हैं इसकी जानकारी तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ सेकंड डे कलेक्शन क्या हुआ है हमारे सलमान खान की टाइगर थ्री का, ये भी जानकारी हाथ से ना छूटने पाए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जी दोस्तों, आप लोग तो जानते हो टाइगर थ्री हो गई है रिलीज। टाइगर थ्री को फर्स्ट डे कलेक्शन भी अच्छा खासा मिल गया, 50 करोड़ के आसपास का फर्स्ट डे कलेक्शन इसको मिल चुका है। साथ ही साथ सेकंड डे कलेक्शन है वो और भी जबरदस्त हुआ है, जिसमें 2 दिन के अंदर इन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया सेकंड डे का कलेक्शन आखिरकार क्या हुआ जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। तो भैया सेकंड डे कलेक्शन इनका रहा है 57 करोड़ का, 57 करोड़ का आंकड़ा छूने के बाद इन्होंने 2 दिन के अंदर 102 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। अब 102 करोड़ तक बात रुकती नहीं है, अब बात आती है सलमान खान के फैंस की। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने जिस तरह कमबैक कराना टाइगर थ्री के जरिए, वैसे ही सलमान खान के फैंस ने भी कमबैक कर दिया है अपना, और कमबैक करना बनता भी है क्योंकि बहुत टाइम से शाहरुख खान के फैंस ही थे जो खुशी मना रहे थे, या सन्नी देओल के फैंस थे जो खुशी मना रहे थे, थिएटर्स के अंदर नाच गा रहे थे, खूब जश्न मना रहे थे। तो यहाँ नाचने गाने तक बात सीमित नहीं रही सलमान खान के फैंस की। सलमान खान के फैंस ने मालेगांव के अंदर यानी मुंबई के मालेगांव में मोहन थिएटर के अंदर भैया फायर क्रैकर्स लगा दिए, और फायर क्रैकर्स इन्होंने लगाए उसमें भैया स्काई शॉट्स जो जबरदस्त तरीके से निकल के इधर उधर भाग रहे थे ना, वो वीडियो जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद भैया प्रशासन भी हरकत में आ गया, और साथ ही साथ जो वो मोहन सिनेमा हॉल है ना उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए कि भाई ये इस थिएटर के अंदर किस तरीके से फायर क्रैकर्स अंदर आ गए। ये अपने आप में एक सवाल बन गया कि भाई एक थिएटर के अंदर फायर क्रैकर्स जा रहे हैं, और वो भी कोई एक दो बम नहीं जा रहे, जा रहे हैं तो स्काई शॉट जा रहे हैं जिसका पूरा का पूरा एक डब्बा होता है। वहीं जब सलमान खान तक ये बात पहुंची तो भैया सलमान खान ने भी इस पे अपना रुख जाहिर करा और अपना एक ट्वीट करा, और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाई मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अपने फैंस से अपील करता हूं कि कृपया कर ऐसी किसी भी तरह की कोई भी हरकत थिएटर्स के अंदर मूवी देखने के दौरान बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और साथ ही साथ जो और लोग पिक्चर देखने आए हैं उनकी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो कृपया कर शांति से पिक्चर को देखें और इंजॉय करें और दिवाली खूब मनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया यहाँ सलमान खान ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया, पर जो ये फैन है, ये फैंस तो फैंस कह रहे भैया फायर क्रैकर्स छोड़ रहे हैं अंदर। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि स्काई शॉट्स अंदर चल रहे हैं, मूवी चल रही है और स्काई शॉट्स चल रहे हैं, बराबर में लोग बैठे हुए हैं तो वो स्काई शॉट्स कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, तो लोगों की जान के साथ तो खूब खिलवाड़ हुआ ही है। भाई सलमान खान के फैंस है हम मानते हैं, फैंस तो शाहरुख खान के भी रहे हैं, फैंस तो सन्नी देओल के भी रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूवीज दी है, गदर 2 दी है, पठान दी है, जवान दी है, भैया जिसके बराबरी तो अभी सलमान खान नहीं कर पा रहे हैं दूर दूर तक कहीं पर भी। उनके फैंस ने इस तरह का उधंग नहीं मचाया जितना सलमान खान के फैंस ने उधंग मचा दिया है, जिसको लेकर सलमान खान को भी खुद ट्वीट करना पड़ा, और साथ ही साथ जो प्रशासन है वो भी बोल रहा है कि ये बहुत ही बेतुका हरकत करी गई है, क्योंकि थिएटर्स के अंदर फायर क्रैकर्स लेके जाना, भाई दिवाली है आप बाहर जलाइए, और जबकि वैसे भी इंडिया के अंदर बैन थे, लगभग बैन कर दिए गए थे, और 2 घंटे का समय दिया गया था सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे के अंदर के 2 घंटे बम पटाखे चलाए जाएंगे, उसके बाद भी रात के शो में थिएटर्स के अंदर बम पटाखे फोड़े जा रहे। भाई इतना तो मानते हैं हम कि हाँ सलमान खान की मूवी आई है टाइगर थ्री आई है, कमबैक कराए किसी के भाई किसी की जान के बाद जो सबसे फ्लॉप मूवी रही थी, तो टाइगर थ्री को प्यार अच्छा खासा मिल रहा है जिसके अंदर हमारी कैटरीना कैफ भी है, इमरान हाशमी भी है, और साथ ही साथ कैमियो हो रहा है हमारे पठान का, हमारे जवान का। बट इतनी खुशी कि सलमान खान की इतनी खुशी कि भैया तुमने तो बिल्कुल खुशी के मारे बम पटाखे ही फोड़ दिए, वो भी सिनेमा घर के अंदर, ये कुछ पचने वाली बात नहीं लग रही है। वैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि टाइगर थ्री को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज फैला हुआ है, लिटरली फैला हुआ है, जो फैंस हैं शाहरुख खान के फैंस में भी फैला हुआ है और साथ ही साथ सलमान खान के फैंस में भी फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ करण अर्जुन वाली जोड़ी भी तो देखने को मिल रही है ना, जो करण अर्जुन के अंदर देखने को मिली थी अब वो इस पिक्चर में भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शोले वाला वो सीन जो मैं आप लोगों को बार बार बता भी चुका हूँ कि भैया वो मोटरसाइकिल और उसके ऊपर साइड कार लगा हुआ है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं हमारे शाहरुख खान और साइड कार में बैठे सलमान खान, जैसा देखने को मिला था हमारे शोले में जिसमें अमिताभ बच्चन चला रहे थे बाइक और साइड कार बैठे हुए थे हमारे कौन भैया धर्मेंद्र साहब। तो ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट बम पटाखे फोड़ना ये कुछ ज्यादा रिस्की हो जाता है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो जाता है। वैसे टाइगर थ्री को एक अच्छी खासी ओपनिंग मिल चुकी है, और साथ ही साथ जो टाइगर थ्री की स्टोरी दिखाई गई है वो भी जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है, क्योंकि एक्शन इसमें जबरदस्त भरा गया है, सस्पेंस भी है और साथ ही साथ इमोशन भी है। बट इस बार हमारे टाइगर को ना इंडिया के अंदर गद्दार साबित कर दिया गया है, और पाकिस्तान इमरान हाशमी ने बुलवा लिया हमारे टाइगर को, जो सीधा टाइगर से पंगा लेना चाहते हैं और टाइगर
को खत्म करना चाहते हैं। तो इमरान हाशमी का जो रोल दिखाया गया वो भी बड़ा जबरदस्त दिखाया गया, बिना हथियार उठाए, ठीक है, बिना किसी तरीके का कोई हैरेसमेंट करे हुए या बिना किसी तरीके का कोई भी गलत काम करे हुए इन्होंने सीधा सीधा टाइगर पे हमला बोल दिया। और टाइगर पे हमला बोल दिया तो मतलब कि पूरे इंडिया पे हमला बोल दिया, बट इंडिया के अंदर तो अब टाइगर गद्दार साबित हो चुका है। तो टाइगर के लिए ये बहुत ही मुश्किल वाला सीन दिखाया गया है, मतलब मुश्किल भरी जिंदगी दिखाई गई, क्योंकि टाइगर सिर्फ भारत के लिए नहीं लड़ रहा, इस बार लड़ रहा अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। और साथ ही साथ जो जोया है हमारी, भैया जोया यानी कैटरीना कैफ को तो कैसे भूल सकते हैं, कैटरीना कैफ के जो एक्शन सीन्स है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्शन सीन्स करे गए हैं, इसको फिल्माया बहुत अच्छा गया है, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन दिया गया है बहुत जबरदस्त डायरेक्शन दिया गया है, म्यूजिक भी काफी अच्छा दिया हुआ है पिक्चर के अंदर। बट यहाँ पर एक कमी देखने को मिली है कि जो कुछ हैवी एक्शन सीन्स हैं उनको थोड़ा सा हल्का कर दिया गया। जब आ जाते हैं हमारे किंग खान यानी कि हमारे शाहरुख खान, उनका कैमियो आ जाता है बीच में, तो कैमियो भी भाई कोई छोटा मोटा कैमियो नहीं है, बहुत बड़ा कैमियो है ये, क्योंकि पिक्चर के अंदर कैमियो होना शाहरुख खान का तो वो एक अलग ही लेवल पे हो जाता है। और वैसे भी स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, तो जब पिक्चर के एंड में आप पहुंच जाते हैं यानी जब वो गाना आ जाता है, गाने के बाद भी पिक्चर खत्म नहीं होती, गाने के बाद भी दिखते हैं हमारे ऋतिक रोशन का एक लुक। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो ऋतिक रोशन का लुक दिखाया ना, इसको लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। ऋतिक रोशन के सामने भी एक बंदा होता है, एक फेस होता है, बट वो फेस दिखाया नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन मार्क है अपने ऊपर में कि भाई ऋतिक रोशन के सामने कौन है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, तो स्पाई यूनिवर्स की ही मूवी वार भी रही है, जिसके अंदर हमारे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन रहे हैं, साथ ही साथ टाइगर 3 और जवान पठान। तो भैया ये पिक्चर है स्पाई यूनिवर्स की है, और स्पाई यूनिवर्स की है तो आपस में जोड़ और तालमेल होना तो इन पिक्चरों का बनता है ना, क्योंकि ये तो जनरल बात है ना, क्योंकि जब एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी बनती है तो उसमें तो ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब हमने कॉप्स यूनिवर्स देखा हमारे रोहित शेट्टी का, जिसमें उन्होंने सिंगम बनाई है, सूर्यवंशी बनाई है, सिम्बा बनाई है, तो सिंगम अगेन के अंदर अब उन सबको जोड़ रहे हैं एक साथ, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है स्पाई यूनिवर्स के अंदर। बट स्पाई यूनिवर्स के टाइगर 3 के अंदर सबको उस लेवल पे नहीं जोड़ा गया जैसे सिंगम अगेन में जोड़ा जा रहा है, छोटा छोटा कैमियो दे दिया गया और ऋतिक रोशन को सबसे एंड में पेश कर दिया गया। यानी आप लोग ये समझ लीजिए कि शायद ये वॉर 2 का एक सिंबल दिया गया है कि हाँ भैया वॉर 2 भी आने वाली है हमारे स्पाई यूनिवर्स की, तो रेडी रहिएगा वॉर 2 के। वैसे पिक्चर को लेकर जो रिव्यू रेट है ठीक ठाक चल रहे हैं, 5 में से 4 के आसपास का रिव्यू इसको मिलता जा रहा है, और मेरी तरफ से भी ये रिव्यू बनता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों में से किस किस ने इस पिक्चर को देख लिया है, और साथ ही साथ जो इनके फैंस हैं, ये फैंस इस तरह से फायर क्रैकर्स थिएटर्स के अंदर फोड़ रहे हैं, उनको लेकर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भैया सलमान खान ने तो पल्ला झाड़ दिया है बिल्कुल, सलमान खान ने तो अपने फैंस को और ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया, बस ये तो उन्होंने कह दिया कि हाँ इस तरह की हरकत मत करो, बट उन्होंने ये भी कहने से वो नहीं चूके कि भैया खुशी मनाओ। तो भैया खुशी मनाने का मतलब तो यही होता है ना, बस उल्टे सीधे तरीके से खुशी मनाओ, सीधे तरीके से खुशी नहीं मना रहे, ये उल्टे सीधे तरीके से खुशी मिल रही है। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है ये भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है ना। और वैसे टाइगर 3 की सक्सेस को लेकर कहा जा रहा है कि जवान पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रहेगी, तो ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि 2 दिन के अंदर 102 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने छू लिया है। अब ये आंकड़ा कहां तक जाता है, क्या ये 1000 करोड़ पार करता है, 1500 करोड़ तक छूता है, या फिर ये 200-300 करोड़ पर ही रुक जाता है, क्या ये गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, ये भी सवाल है। तो सवाल का जवाब देना भी तो आप लोगों के बस में ही है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बता देना। और भैया दिवाली का सीजन चल रहा है तो हैप्पी दिवाली तो बोलूंगा ही बोलूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों से इतना कहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्कार।